देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। और अभी हमारे समक्ष कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरी लाल जी हैं। इनसे हम और भी कुछ सवालों के जवाब जानना चाहेंगे कि राज्य की राजनीतिक परिस्थिति में अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, इसमें रोजगार को देखते हुए, किसानों की समस्याओं को देखते हुए हमारी राज्य सरकार जो है वो सजग नहीं दिख रही है, इस पर ये क्या करना चाहिए? देखिए, आप देखे होंगे कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत से प्रवासी हमारे झारखंडी भाई बाहर से आए, गांव में, शहर में, हर जगह आए, हुनरमंद भी आए, जिनके अंदर कौशल भी है, बहुत से मजदूर लोग भी आए। लेकिन चूंकि हमारा 75% ग्रामीण इलाका मेरा विधानसभा है, श्रमिक क्षेत्र है हमारा, खिलाड़ी है, गांव ब्रह्मू, ठाकुर गांव, पिठोरिया, मिश्रा, उरगुट्टू, नेवरी, विकास, ये तमाम इलाका जो ग्रामीण इलाका है, आज ना उनको मनरेगा के तहत आज देखे होंगे कि मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल में है। बेचारे लोगों को 100 दिन क्या 6 दिन का भी काम नहीं मिल रहा है। इन लोगों को सरकार कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की है। केंद्र सरकार ने जो मुद्रा लोन का जो व्यवस्था किया है इन लोगों के लिए, वो भी इनके ऊपर नहीं लागू कर रहे हैं राज्य सरकार। और साथ ही साथ जब खेती बाड़ी का अभी समय है, आप देखें कोई ऐसा पंचायत नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, खेती अभी लल्हा रही है, अभी उनको खाद की ज़रूरत है। और अभी बिल्कुल चोर बाजारी की तरह 700-800 में यूरिया, जो कि 270-260 रुपये मिलना था, वो मिल भी नहीं रहा है। मजबूरी में लोग पैसा दे दे के कि मेरी इतना मेहनत, मेरा इतना किया हुआ खून पसीना, खेत में ललाहता खेत, वो कहीं मर नहीं जाए, वो कहीं कोरोना का भेंट ना चढ़ जाए, उनको कहीं ये पॉजिटिव ना हो जाए। लोग पॉजिटिव के लिए मरते, कहीं हमारा खेत नेगेटिव ना हो जाए, इसके लिए किसान रो रहे हैं। और ये सरकार और इनका विभाग के लोग क्वारंटाइन में पड़े हुए हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में चढ़ रहे हैं और किसानों को बेहाल में ऐसे छोड़ दिए। आज उनको दर्द को देखकर, अगर हम आज ये कोरोना का लॉकडाउन का वक्त नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उग्र आंदोलन पर होता। मैं जानता हूं कि अभी आंदोलन जनहित में नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी भावनाओं को हम लोग निश्चित तौर पर सरकार को कह रहे हैं कि आप अभी कालाबाजारी बंद कीजिए। जिस तरह से आपने सब कुछ बंद कर दिया है, उसी तरह से भ्रष्टाचार को भी बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो ये विपक्ष पार्टी के वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं और हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरी लाल जी को सुना। अभी हमारे समक्ष हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल जी हैं और इनसे हम जानते हैं कि कल जो घटना हुई अटल जी की स्मृति पर विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया गया, मालार्पण नहीं करने दिया गया, समरी लाल जी गए थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये किस ओर राजनीति का इशारा करता है? सबसे पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस झारखंड का निर्माण किया। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही जो झारखंड वर्षों से संघर्ष कर रहा था, झारखंड का निर्माण हुआ और नया विधानसभा परिसर बना। उसमें आदमकद प्रतिमा अटल जी की लगी हुई है और सिस्टम यही है कि कोई भी महापुरुष की जब पुण्यतिथि होती है, जन्मदिन होता है, तो उस दिन स्पीकर महोदय अपने सचिवालय के या सचिव को के साथ जाके माल्यार्पण, पुष्प अर्पित करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने जब अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया तो अपने सांसद समीर उरांव जी और पार्टी के कई नेता वहां पुष्प चढ़ाने के लिए गए और उसको भी इंटेंशनली विधानसभा के सचिव महोदय के द्वारा रोका गया। इसकी कड़ी से कड़ी हम लोग निंदा करते हैं। एक और सवाल नवीन जी जानना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने से क्या क्या अभी तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 26 विधायक हैं और विधायक ने अपना नेता चुना और उस पर उसको मान्यता नहीं देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है।
आज झारखंड में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आज देखिए कोरोना काल में जहां पर लोग घर में रह के सुरक्षित रहना चाह रहे हैं, आज हमारे किसान रोड पर उतर रहे हैं। आज आंदोलन करने के अगर कोरोना नहीं रहता तो जिला से लेकर प्रखंड तक पूरा झारखंड बंद होता, इसलिए कि यूरिया की अभाव में किसान का जो खेत का जो नुकसान होगा, जो फसल का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। कांग्रेस ने कहा था कि 2 लाख तक का ऋण माफ़ कर देंगे, कितने लोगों का ऋण माफ़ हुआ। तो जनता को ठगने का काम सरकार ना करे और अपना जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करे। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि।